की जानकारी देंगे आपको। आज रात को 12 बजे के करीब बिना पानी वाली बारिश होने की संभावना है और आसमान से अचानक मेंढक भी गिर सकते हैं, इसलिए अगर आप बाहर खुले में सोते हो तो कृपया मुंह बंद करके सोएं, नहीं तो मेंढक आपके मुंह में चला जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बात करेंगे कुछ हादसों के बारे में। कल दो चींटियां एक हाथी को गोली मारकर फरार हो गई। चींटियों का स्केच बना लिया गया है और उनकी छापेमारी के लिए पुलिस फोर्स भेज दी गई। कल एक चूहे ने शराब के नशे में पूरे जंगल में हुड़दंग मचाया और दो बिल्लियों की पूंछ पर नुकीले दांतों से हमला करके फरार हो गया। चूहे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शेर का दावा है कि उसे जल्दी ही दबोच लिया जाएगा। सुबह 11 बजे के करीब मगरमच्छ ने पानी के अंदर से छिपकली को आंख मार दी थी और छिपकली ने मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाल कर मारा और मार मार कर अधमरा कर दिया। मगरमच्छ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कल एक गधा अपनी गधी से लड़ाई करने के बाद पेड़ पर चढ़ गया और उसे बाद में डंडे मार मार कर बड़ी मुश्किल से उतारा गया। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चटपटी खबरों के साथ।